बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे सुपर, मजा आ गया, अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी एक और गाड़ी कराने वाले हैं, SUV 500 है, तो वो भी अब लेके आएंगे। This video is sponsored by Budmo. Budmo are the online experts when it comes to spare parts. आप budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के genuine spare parts घर बैठे खरीद सकते हैं. Budmo has one of the largest catalogs for spare parts. चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो, Budmo अपने सप्लाई किए हुए स्पेयर पार्ट्स पर 10-day की assured return policy भी ऑफर करता है. You can check out their website and also download their app. It's available on Android and iOS both. जब ये गाड़ी का काम हो रहा था तू यहीं पर था तू, बट तू ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था प्रोजेक्ट नहीं ऐसा नहीं है, तू यहीं पर था बट साइड बाय साइड मैं, क्योंकि इंटीरियर भी कर रहा था ना मैनेज, और सर जब गाड़ी भी छोड़ने आए थे तब उनसे मैंने डील किया था, तो फिर उस हिसाब से पूरा मुझे पता है कब पता चला कि गाड़ी का ये पूरा ब्लैक थीम में हो रहा है। आई थिंक जब हम इंटीरियर मार रहे थे ना गाड़ी का, तब मेरे को पता चला, क्योंकि तब गणेश बोला कि रेड हाइलाइट्स वगैरह गाड़ी में हो रहे हैं। एक्चुअली कस्टमर माइंड मेकअप ही करके आए थे, मेरे को कुछ तो यूनिक करना है, तो ब्लैक तो मतलब उनको पहले से ही सोच के आए थे। और क्या होता है, क्योंकि हमने गाड़ी मैट फिनिश में कर रहे हैं ना, तो मैट फिनिश हम इतने आराम से सबको रिकमेंड भी नहीं करते, तो उनको पहले से दिमाग में आइडिया था मेरे को मैट फिनिश बाहर से चाहिए, डार्क कलर चाहिए, और इंटीरियर भी पूरा डार्क चाहिए, और मिनिमल हाइलाइट्स चाहिए। तो कलर क्या था फाइनल नहीं हुआ था, तो रेड हमने आपस में बातचीत करके फिर फाइनल किया। तो जो भी हमने इसमें किया है, चाहे लेदर वर्क किया हो, चाहे पेंटिंग का काम किया हो, चाहे अलॉय व्हील्स किए हो, तो हमने हर जगह मिनिमल रेड हाइलाइट्स रखने की कोशिश करी। तो कस्टमर बहुत चूजी थे इस वे में, पहले से ही सोच के आया था सब कुछ। बाहर का कलर कैसे डिसाइड किया जो ग्रे टोन में था? वो एक्चुअली मेरे ख्याल से हर्षल ने फाइनल किया था सर के साथ, मैं शायद एक आध दिन बीच में नहीं था, हर्षल ने उनको ऑप्शंस बना के भेजे, तो उनको वो मर्सिडीज का AMG GT, हाँ, उन्होंने वो फोटो देखी और वो कलर देखा, उनको बहुत सूट हुआ, और उन्होंने एक्चुअली एक रिक्वायरमेंट रखी थी, एक पोर्शा की उन्होंने फोटो भेजी थी जिसपे गन मेटल ग्रे कलर का रैप हुआ हुआ था, तो वो बोले मेरे को ऐसा कुछ कलर चाहिए, तो मैंने सर को एग्जैक्टली तो हम मैच नहीं कर सकते, हाँ, तो सर को हमने बोला था कि ये रैप किया हुआ है सर, पेंट एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, बट वी विल ट्राई टू गेट एज क्लोज टू दैट एज पॉसिबल। तो हमने फिर उसी शेड में सर को OEM कलर्स रिकमेंड किए, तो सर ने फिर वो मर्सिडीज वाला कलर फाइनल किया।
जब ये पूरा ब्लैक ब्लैक सारा करेंगे तो ये लगा था एंड लुक ऐसा दिखेगा जैसा गाड़ी दिख रही है? नहीं, एक्चुअली मैं इंटीरियर को ना उतने अच्छे से समझ नहीं पाया था। बेज और ग्रे कलर में उसका कहीं ना उसकी पूरा डिजाइन जो है वो घूम रहा था। जब उसको ब्लैक किया ना तो इतना जबरदस्त लुक निकल के आया विद मिनिमल हाईलाइट्स रेड, तो मैंने भी एक्चुअली सोचा नहीं था इतनी अच्छी गाड़ी दिखेगी। तो हम तो यूजुअली वैसे कस्टमर्स के साथ अपने आईपैड पे ड्रॉ करके शेयर करते हैं आइडियाज कैसे लगी, उसमें भी उतनी फील नहीं आ रही थी जितना रियलिस्टिकली आई। एक्सटीरियर कलर मुझे ज्यादा बेटर लगा कंपेयर टू मैट ब्लैक। क्या है ना, उसमें एक शीन था, थोड़ा मेटालिक इफेक्ट था ना, सिल्वरिश इफेक्ट था थोड़ा। बट इंटीरियर जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे लगा नहीं था कि ऑल ब्लैक इतना अच्छा लगेगा। मतलब आई एम अ फैन ऑफ ऑल ब्लैक इंटीरियर, बट यहाँ पर हर चीज ही ब्लैक थी और गाड़ी ऐसी नहीं लग रही थी क्लॉस्ट्रोफोबिक, नहीं लग रही थी, वो रूमीनेस थी गाड़ी में, वो फिर भी स्पेशली वो जो रेड हाईलाइट्स हमने करी, चाहे स्पीकर ग्रिल के इधर में किया या स्टीयरिंग पे रेड स्टिचिंग किया, आई थिंक वो मिनिमलिस्ट और वो पाइपिंग भी, हाँ पाइपिंग, ये थोड़ी थोड़ी चीजों ने ना बहुत उठा दिया, बहुत गाड़ी में अच्छी फील लाया। और हमने 70 मैट्स भी जो गाड़ी में डाले थे, हमने सर को रेकमेंड किया सर रेड स्टिचिंग के साथ लेते, कस्टम स्टिच थे ना, वो सोच रहे थे कि यार ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, मैं बोला नहीं होगा क्योंकि हमने गाड़ी में कहीं और जगह शो नहीं किया, तो फ्लोरिंग पे ब्लैक मैट्स और रेड कलर की स्टिचिंग भी बहुत सुंदर लग रही थी। पर कभी कभी हम लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं यू नो कि एंड में लुक गाड़ी का कैसा निकल के आता है। कभी कभी लगता है उतना अच्छा नहीं होगा, बट बहुत अमेजिंग निकल आता है। हाँ, और कई बार मतलब कुछ सोच के करते हैं तो गलत भी हो जाता है, रिपीट वर्क भी बहुत तो कुछ होता है, भी करना पड़ता है, बट ठीक है, मतलब दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे खरा उतरना, तो यहाँ पे बस एक चेंज ये था कि कस्टमर पहले से माइंड मेकअप करके आए, वरना मोस्टली हमें कस्टमर को गाइड करना पड़ता है, उनको ऑप्शन देने पड़ते हैं। सेक्शन में हमें जरूर बताएगा कि आपको इस गाड़ी का लुक कैसा लगा, ये जो पूरा ब्लैक थीम में हमने गाड़ी बनाया है, डू लेट अस नो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी हमें बताइएगा। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू ब्रोटोमोटिव, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।